हेलो बच्चों, इससे पहले हमने आपको क्वांटम नंबर का लेक्चर पढ़ा दिया था। उसके हमने आपको कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आफबाउ नियम। अब ये आफबाउ साइंटिस्ट नहीं है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है, अब इस नियम के अनुसार से हम आपको इलेक्ट्रॉन भरने सिखाएंगे ऑर्बिटल में। बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, आप मेरे हिसाब से मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, उस ट्रिक के हिसाब से आप पूरी केमिस्ट्री के एटॉमिक नंबर आराम से भर सकते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं आफबाउ नियम क्या है। मेरे पास ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण होना। अब यहाँ किसका निर्माण होना है? यहाँ पर निर्माण जो होगा वो निर्माण होगा आपका कक्षकों का निर्माण। ठीक है भाई, किसका निर्माण होगा? ऑर्बिटल का निर्माण होगा। अब ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार परमाणुओं की तलस्थ, इसे बोलते हैं ग्राउंड, तलस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। मतलब जिस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होगी उसे सबसे पहले भरा जाएगा, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसे बाद में भरा जाएगा। इस नियम का सिंपल इतना मतलब है। अब ये नियम पढ़ने से पहले आपको परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, और कम से कम 1 से लेके 30 तक। ये आपके लिए 1 से लेके 30 तक मैंने लिख दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनको याद कर लो। तो आपको सिखाते हैं कि अफवाहों के हिसाब से कैसे पढ़ा जाएगा। उससे पहले आप एक काम, एक बात याद रखना, जब भी आपके सामने एस ऑर्बिटल आएगा उसमें आपको अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी एस आ जाए, 1s 2s 3s 4s 5s, 2 मैक्सिमम रखने हैं अधिकतम। पी आ जाएगा उसमें आपको 6 रखने हैं अधिकतम रखने हुए। डी में 10 रखने हैं, एफ में रखने हैं 14। ये अधिकतम है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप आगे नहीं रख सकते हैं। और कम से कम कितना रखेंगे? सब में कम से कम आपका 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब हम आपको सिखाते हैं आफबाउ का नियम। ठीक है, वैसे बहुत टफ होता है ये, बच्चों को याद नहीं होता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उससे आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। पहले आप लिखेंगे एस, फिर आप लिखेंगे सब, मेरे साथ साथ लिखना, फिर लिखना सब। ठीक है भाई, फिर लिखना सड़प, फिर लिखना सड़प, फिर लिखना सफ डब, फिर लिखना सफ डब। ठीक है भाई, इतना काम कर लेना। मैं फिर रिपीट करता हूं, पहले एस लिखेंगे एस, फिर सब, फिर सब, फिर सड़प, फिर सफ डब, और फिर सफ डब। क्लियर? इतना आप कॉपी में लिख लेना। इसको नंबर 1 लिखना, या नंबर 2, या नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। अब करना क्या है? यहां लिखेंगे 1s। ठीक है भाई, यहां लिखेंगे 2s 2p, यहां पर लिखेंगे आप 3s 3p। ठीक है, यहां लिखेंगे 4। अब एक काम आपको करना है, जैसे ही आप 4 में आएंगे और आप d का मान लिखना चाह रहे हैं, तो आप क्या काम करेंगे, आप एस वाले में से एक कम कर देंगे। तो जैसे यहां पर 4 लिखा है तो आपको यहां लिखना होगा 3, यहां पर फिर 4 आ जाएगा, यहां 5 आएगा, यहां पर फिर एक कम करना है तो 4 आ जाएगा, यहां पर फिर 5, फिर यहां पर 6 आ जाएगा। अब एफ का लिखने के लिए आप एस में से 2 घटा देंगे, तो यहां पर 6 लिखा है तो आपको यहां पर 4 लिखना पड़ेगा। यहां पर फिर एक कम करना है, 6 में से एक कम करेंगे तो फिर 5 आ जाएगा, फिर यहां पर 6 आ जाएगा, यहां पर 7, फिर 2 कम करेंगे तो यहां पर 5, यहां पर एक कम करेंगे 6 और 7। ठीक है भाई, इतना काम आप कर लेंगे। अब आफबाउ का नियम क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो सबसे पहले, जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें भरे जाएंगे, फिर वे ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। अब आप सिंपल क्या काम करेंगे, बहुत आसान है बिल्कुल, आप इनमें इस टाइप से एरो लगा देंगे।
ये होता है आफबाव का नियम, ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, ठीक है भाई। उसके बाद आप इधर लगा देना, ठीक है। तो आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना और आपका ये आफबाव नियम तैयार हो जाएगा। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरने कैसे हैं? मैं आपको भी सिखा, मतलब आपको मैंने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास हीलियम है, तो आप मुझे हीलियम में इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, कितना होता है भाई लोगों? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इसमें भरेंगे, ये 2 हो जाएगा, तो हीलियम का हो जाएगा 1s2। वो सिंपल, मैंने कहा चलो आप मुझे लिथियम का दिखाओ, तो लिथियम का जैसे आप भरेंगे लिथियम का, तो लिथियम का होता है 3, तो 2 इसमें भरेंगे आप, फिर 2 के बाद 1 बच जाता है, तो 1 आप इसमें भर देंगे, ये हो गया लिथियम का, ठीक है भाई। ऐसे में मैक्सिमम 2 रखने हैं और कम से कम 1 रखना है। हमने कहा क्या बताइए, बेरिलियम का बताइए, तो होता है 4 बेरिलियम का, 4 होता है, तो 2 तो आपका इसमें आ जाएंगे और आपके 2 इसमें आ जाएंगे, 2 आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है भाई। ये किसका हो गया है? ये हो गया है बेरिलियम का। तो आप लिख सकते हैं बेरिलियम का, मैं इधर लिख देता हूँ, बेरिलियम का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, ये हो गया है बेरिलियम का, क्लियर। अब मैंने कहा कि आप मुझे लिख के दिखाइए बोरान का, तो बोरान का होता है 5, कितना होता है 5 होता है परमाणु क्रमांक, ये आपको भाई याद करने पड़ेंगे। तो 1s2 2s2, अब देखो 5 है, 4 तो आ गए, 2 और 2 4 इधर आ गए, तो 1 बचता है, 1 आपका इसमें आ जाएगा, ये हो गया बोरोन का। तो बोरोन का आप जो लिखेंगे, आप लिख सकते हैं बोरोन का 1s2 2s2 2p1, ये आ गया बोरोन का। अब 5 है, अब पी में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम नंबर 6 रह सकते हैं, कितने भाई 6। इसके बाद आता है कार्बन, तो कार्बन का नंबर होता है 6, तो जब आप भरेंगे तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ये कार्बन का हो जाएगा। ये किसका हो गया है? ये हो गया है कार्बन का, ये हो गया है कार्बन का 1s2 2s2 2p2, मतलब यहाँ पर आपके 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्लियर। इसमें 6 तक भर सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके बाद आप N का कर लेना, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, उसके बाद फ्लोरीन का, नियोन का, इनका कर लेना। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, एक थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। मैंने कहा मेरे पास स्कैंडियम है, क्या मेरे पास इस, चलो मेरे पास पहले कैल्शियम ले लो, पोटेशियम ले लो, पोटेशियम इसका 19 है भाई, कितना है 19। अब बढ़ना स्टार्ट करते हैं, चलो आ जाओ फटाफट। ऐसे में 2 ही रखने हैं आपको, मैक्सिमम ऐसे में आपको 2 ही रखने हैं, तो हम यहाँ रखेंगे 1s2 2s2 2p6, क्यों भाई 19 है ना, तो p में 6 रखने हैं, ऐसे में 2 रखने हैं। उसके बाद 3s2 आ जाएगा, कितने होंगे 12, उसके बाद 3p6 कितने होंगे 18, 1 बचा है, तो 1 किस में आ जाएगा, 1 आपका आ जाएगा इसमें। तो हम जो पोटेशियम का लिखेंगे वो कैसे लिखा जाएगा भाई, वो लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, क्लियर, ये लिखा गया है। बोलते हैं कैल्शियम का, तो आप कैल्शियम का भी इधर लिख सकते हैं, कैल्शियम का यहाँ कैल्शियम का हो जाएगा, उसका होता है 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये कैल्शियम का हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब आपको 2 याद रखने हैं, जो 2 इम्पोर्टेंट होते हैं, जो 2 इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको याद करने हैं भाई, वो कौन कौन से होते हैं देखो। पहला आपको टिक मारना है क्रोमियम पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर सब 25 स्टार लगा लेंगे। इसका होता है एटॉमिक नंबर होता है 24, कितना होता है 24, ठीक है भाई, 20 तो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब नियम तो ये बोलता है कि इस 4s2 होना चाहिए था और 4 3d10, लेकिन 24 है, 20 तो यहाँ पर आ गए और 4 आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ आने चाहिए थे, नियम तो ये बोलता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एस में आपका आएगा 1 इलेक्ट्रॉन और डी में जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब
4s1 करेंगे आप और 3d5 करेंगे, 3d5 करेंगे। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है, यहां पर d आपका बन जाता है हाफ फील्ड। क्या बन जाता है? हाफ फील्ड। ठीक है भाई, ये हाफ फील्ड है और ये इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए आपको क्रोमियम पर स्टार लगाकर ये लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। एक याद रखेंगे क्रोमियम का, हो जाएगा ठीक है। एक आप याद रखेंगे कॉपर का, इसका रखेंगे कॉपर का, Cu का कॉपर का, इसका होता है 29। ठीक है भाई, 29 होता है। तो क्या काम करेंगे आप, जब आप 29 करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर अभी आप तो सेम चलता रहेगा बिल्कुल, ये आपका आ जाएगा 4s1 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 10, 3d10। ठीक है भाई, ये कॉपर का हो गया है, ये आपका हो जाएगा कॉपर का। सेम कहानी यहाँ पर भी, यहाँ पर डी ऑर्बिटल आपका फुल फील्ड होगा जो ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से या और दूसरे खाली ऑर्बिटल से। तो ये दो भी आप याद रखेंगे, इन दो पर आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको अफवाह के कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ नियम के। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 4d 5p 5f तथा 6p कक्षक घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, सही विकल्प है? तो देखो भाई, आपका ये अच्छा क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक काम, ट्रिक याद रखना, आप सबसे पहले s लिखना, फिर सफ डप। नंबर करनी है तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर 2 2, यहां पर 3 3 4, एक कम कर देना भाई, ठीक है 3 4, यहां पर 5 एक कम कर देना, 4 यहां पर 5, क्लियर। यहां पर 6 दो कम कर देना, एक कम कर देना, और यहां पर 6 7 5, यहाँ पर एक कम करना है 6, और यहाँ पर 7। अब ये एनर्जी के बढ़ते क्रम में इस टाइप से है, देख लो आप। पहले 5f आया है, 5f की ज्यादा एनर्जी है, सही है, 5f की ज्यादा एनर्जी है। मैं तो लिखता हूं 5f की ज्यादा एनर्जी है, 5f की एनर्जी ज्यादा है। इसके बाद फिर क्या है आपके पास, 7s 6p है, तो 6p की एनर्जी उससे ज्यादा है, ठीक है, उससे कम है, तो 6p आ जाएगा भाई, क्लियर, ये आ जाएगा 6p। उसके बाद क्या है, उसके बाद 5p हमारे पास ये रहा, तो उसके बाद 5p आ जाएगा 5p। उसके बाद मेरे पास क्या है भाई, लास्ट में क्या है, 4d आ जाएगा 4d, क्लियर। तो इसका पहला ऑप्शन बन रहा है, पहला ऑप्शन इसका आ जाएगा 5f की ज्यादा एनर्जी है, उसके बाद उसके कम 6p की है, उससे कम 5p की, सबसे कम 4d की है।